हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूआर एग्जाम गोली। दोस्तों आज है आपका क्या? जी हां दोस्तों, आज है आपका 24 जून और सुबह के बज चुके हैं 8। जी हां दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हमारा क्या, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चौथा। अभी तक हम 3 कवर कर चुके हैं जिसमें हम पर डे हिंदी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तक हमने वर्णमाला से ही क्वेश्चंस की थी। आज की वीडियो भी आपकी वर्णमाला के आधारित है, आपको इसी के अंतर्गत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो भी टॉपिक होगा वो परसों से स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों कंजूसी ना किया करो, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और प्लीज लाइक जरूर करें और सब लोग टाइम से आ जाया करें ताकि ऐसा लगे हाँ क्लास चल रही है। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बता दें आपके यहाँ पर बिहार SI, मध्य प्रदेश SI और UPSI सभी के लिए यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं जो कि हिंदी से लिए गए हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी आती है तो दोस्तों अभी हम हिंदी का ही करा रहे हैं। जल्द से जल्द आप लोगों के यहाँ पर GK वाला पोर्शन भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चंस एंड आंसर पे। आपका कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त अक्षर ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बनता है। आपको बताना है जो आपका गया है वो किन वर्णों से मिलकर बनता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार थे चारों, लेकिन मेरे पास किसी ने कमेंट नहीं किया। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर जाएगा आपका जो संयुक्त अक्षर गया है वो मिलकर बनता है आपके किस से, आपका आधा जा और दो छे क्या, इससे मिलकर बनता है क्या, आपका संयुक्त अक्षर गया। ओके चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब की 31 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको बता दें आपका क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर त्रा किन वर्णों से मिलकर बनता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर चार ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे, शायद मैंने जे भी पूछा था 31 वा, लेकिन हमने यहाँ पर 30 कर लिया, कोई बात नहीं। तो आपके चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है जो त्रा है किन किन से मिलकर बनता है। तो दोस्तों आपके चारों ऑप्शन में से फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड नंबर राइट होता है, आधाता और रा। ओके इससे भी मिलकर बनता है आपका संयुक्त अक्षर त्रा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का अपना अगला क्वेश्चन है क्या, संयुक्त अक्षर आपका जो छत्री का छा है किन वर्णों से मिलकर बनता है, बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन यहां पर चारों लग गए हैं, आपको बताना है आधा का प्लस सा, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस सा, आधा का प्लस सा। यहाँ पर षटकोण का सा है, सिटी वाला सा है, सरौते का सा है, आपको बताना है राइट आंसर क्या, संयुक्त अक्षर आपका जो छत्री वाला छा है किन वर्णों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या, आपका क्वेश्चन है 32, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आधा का प्लस षटकोण का सा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करें ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल आखिर है क्या। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। यदि आपसे ये बेसिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका पेपर एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको निकालना है तो आपको इन सभी चीजों को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। आपको बताना है ऊष्म व्यंजन कौन से वर्णों को बोलते हैं, चा गा वा सा, बताइए। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्या 33वां और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4, सा। दोस्तों इसको आप बोलेंगे तो आपको ऊष्मा जो आपकी जिभ्या उसमें उत्पन्न होती है, मतलब कि घर्षण के साथ आपकी ध्वनि निकलती है सा सा, तो अलग ही लग रहा है कि हाँ ये ऊष्म व्यंजन है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, बताइए अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। आपके चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं, का था ला हा। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर जाएगा क्या, आपका क्वेश्चन है 34वां, राइट आंसर जाएगा ला, ला रा वा, ये सारे क्या है अंतस्थ व्यंजन। ओके चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में से स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, बताइए स्पर्श व्यंजन का कौन सा उदाहरण है। आपको बताना है निम्न में से कौन से स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। आपके चारों ऑप्शन है सा,
आपका छतरी वाला छा, घा और या। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। आपको स्पर्श व्यंजन का उदाहरण बताना है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन का उदाहरण। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 35वां और राइट आंसर जाता है इसका कौन सा, तीसरा। आपका जो घा है ये स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपके समक्ष यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन है, आपको बताना है क्या आपकी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें द्विगुण व्यंजन किसको बोला जाता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, आपको बताना है। आपका जो यहाँ पे दिया गया है आड़ा ढा, फिर आपका फिर से दिया गया है ढा डमरू का, फिर ढा ढक्कन का, फिर यहाँ पे इंग्या दिया है ढा ढक्कन का, इंग्या यहाँ पर आपका ढा ढक्कन का। बताइए इनमें से कौन सा होगा हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन है। आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 36वां और इसका राइट आंसर जाएगा क्या, आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। आपका जो द्विगुण व्यंजन बोला जाता है उनको आपका जो अड़ा है और ढा। ओके चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट में ही संयुक्त व्यंजन देखे थे, इच्छा हुआ, त्रा हुआ, ज्ञा हुआ, स्त्रा हुआ, तो आप बताइए कितने हैं। अब मैंने ही मुंह से बोल दिया तो राइट आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपसे चार ही मैंने बताए हैं, तो यहाँ पर चार ही आपके क्या संयुक्त अक्षर, मतलब कि दो अक्षरों से मिलकर एक अक्षर बनता है उसको हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे कि इच्छा, त्रा, ज्ञा, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, त्रा है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्या हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब आपको ऊष्म बताना है, अभी ऊष्म व्यंजन पूछा था कि आखिरकार ऊष्म व्यंजन कितने हैं, अब आपको उनकी संख्या बतानी है कि आखिरकार ऊष्म व्यंजनों की संख्या है कितनी। आपके एग्जाम में आता है डेफिनेटली, तो आप बिल्कुल यहाँ से इन चीजों को अच्छे से माइंड में फिट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर आपके चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला है चार, दूसरा है पांच, तीसरा है छह और चौथा है सात। क्वेश्चन है आपका क्या ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन है आपका 38वां और राइट आंसर जाएगा क्या, आपका जाएगा 38वां का फर्स्ट, मतलब कि चार। ओके ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी चार है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपसे पूछा था क्या, अभी आपसे पूछा था स्पर्श, अब आपसे पूछ रहा है अंतस्थ। तो इन चीजों में ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ, इन सारी चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों में फर्क आना चाहिए कि आखिरकार है क्या। अभी मैंने पूछा था आपसे ऊष्म व्यंजन, अब आपसे पूछ रहा हूँ क्या अंतस्थ व्यंजन। कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से माइंड में फिट करना है। तो दोस्तों बताइए फ्रेंड्स, आपको बता दें आपके जो अंतस्थ व्यंजन है, आपके चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चार, पांच, छह, सात, बट आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर जाएगा क्या, आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन है 39वां और फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट जाता है चार। ऊष्म भी आपके चार हैं, आपके स्पर्श भी चार हैं, संयुक्त अक्षर भी चार हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, चार चार चार, 90% चार है। ओके यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, अब आपसे स्पर्श पूछा गया है। तो दोस्तों स्पर्श ऊष्म चार है, संयुक्त अक्षर चार है और आपके अंतस्थ चार है, बट आपसे यहाँ पर स्पर्श पूछा है, तो अब स्पर्श कितने हैं आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। यदि आप अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हमारा सर बेसिक कंप्लीट नहीं है, आप बेसिक हिंदी की क्लास लाइए तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। बट मेरे से बहुत से कैंडिडेट ने बोला था कि सर आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाइए, तो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, नहीं तो मेरी प्लानिंग थी पहले बेसिक कंप्लीट कराओ फिर इसके बाद आप लोगों के एमसीक्यू कराओ, ताकि आप जो पढ़े वो याद भी रहे, है ना। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्वेश्चन है 40, बताइए राइट आंसर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है, मैं यहाँ पर राइट आंसर नहीं बताने वाला। क्वेश्चन है आपका क्या 40वां, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में, कहीं से भी ढूंढ के। ओके आपसे ये पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 10, 15, 20 और 25। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम रहने देते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आप लोगों को, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, बट आप लोग इन चीजों का रिवीजन करें, इसके लिए हम आपका वीकली टेस्ट भी लेंगे। जैसे ही हमारे 7 दिन कंप्लीट होते हैं, 7ों दिन का मटेरियल आपको एक ही दिन प्रोवाइड किया जाएगा, बट वीडियो हो जाएगी लॉन्ग, तो
इसके लिए कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। बट जाते जाते डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते जाना और अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करना। ओके, टेक केयर।